गोरखपुर जिले को दो कंपनियों की 8,644 वायल वैक्सीन मिल गई। इनमें 8,400 वायल सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड है, जबकि 244 वायल भारत बायोटेक की वैक्सीन है। कोविड शील्ड को एडी हेल्थ कार्यालय के स्टोर में सुरक्षित रखा गया है। यह वैक्सीन गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों के लिए आई है, जबकि कोवैक्सीन लखनऊ से मिली है। इसे सीएमओ कार्यालय के स्टोर में रखा गया है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 22 जनवरी को 41 बूथों पर 4100 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हर बूथ पर 100-100 लोगों को बुलाया गया है। पहले चरण में 25,110 लोगों को प्रथम चरण में वैक्सीन लगाए जाने का निर्देश मिला है। इनमें से 12,255 लोगों को 22, 28 और 29 जनवरी को वैक्सीनेशन हर हाल में करना है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। 12 घंटे पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज कोविड पोर्टल से भेजे गए हैं। 41 बूथों पर 22, 28 व 29 को टीकाकरण होगा। इस दौरान 12,300 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कैसे जाएगी? इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और आपको कोविड 19 वैक्सीनेशन सेशन में शेड्यूल है। आप 22/1/2021 में 7 बजे से आपका सेशन शुरू होगा और 8 बजे तक आप आ सकते हैं। हमारा जगह जो है आप अर्बन PSC पूरे 10 बजे हम जाएंगे और टीका लगवाएंगे। पहले फेज का इनाग्रेशन के दिन जो हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल कामयाब रहा। 310 लोगों को वैक्सीन दी गई, सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। कल 22 तारीख को फिर से सेशन होगा, हमारे 41 जगहों पर सेशन चलेगा, कल चलेगा और हर जगह 100-100 लोगों को बुलाया गया है। तो पोर्टल भी बीच बीच चल रहा है जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही है, लोग सेशन पर पहुंचेंगे और टीकाकरण होगा 10 बजे से 4 बजे तक के बीच में टीकाकरण। अभी हमारे पास दोनों तरह की वैक्सीन हो गई हैं। पहली वैक्सीन कोविशील्ड जो 28,130 डोज आई हुई थी जिसमें से लगा और हमारे पास वो चलेगी। दूसरी कोवैक्सीन आई है जो 2670 डोज आई हुई है, उसको हम अपने रेलवे हॉस्पिटल में और एम्स में लगवाएंगे। बाकी जो कोविशील्ड और जो आई है 24,500 डोज जो आई है वो बाकी जो सेंटर हैं जिसमें हमें कोविशील्ड लगी हुई है उस पर सेकेंड डोज के लिए इस्तेमाल होगी। नहीं, दुविधाएँ बिल्कुल नहीं है। पिछली बार जो है कि पोर्टल थोड़ा दिक्कत से चल रहा था, लोगों को फ़ोन करके बुलाया गया, फिर एट लास्ट पोर्टल चलने हुआ तो दो लिस्टें जारी हो गई जिसमें कन्फ्यूज़न में लोग नहीं आ पाए। और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100% लोग आएँ और उसका टीकाकरण अब 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। इस बार के इस वैक्सीनेशन में आप लोगों का भी नाम शामिल है? हाँ, हमारा नाम शामिल है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है कल के लिए बसंतपुर अर्बन PSC पर हमारा टीकाकरण होगा। टीकाकरण को लेकर जो भ्रांतियाँ फैली हैं इसको लेकर कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल ही सुरक्षित है। अभी हम लोगों ने लगाया है, 310 लोगों को लगाया है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2.5 लाख से ऊपर लोगों को लगाया गया है, कहीं से भी किसी को भी रिएक्शन नहीं हुआ। एक दो जो आए हैं वो डाउटफुल हैं, वो वैक्सीन से नहीं हो सकते हैं। वैक्सीन के रिएक्शंस हम लोग समझ जाते हैं कि वैक्सीन के क्या रिएक्शन, कैसे रिएक्शंस होते हैं। वैक्सीन के इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं, वो भी सर्दी खांसी, थोड़ी सी खुजली हो सकती है, बुखार आ सकता है या दर्द हो सकता है, थोड़ा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम कराएंगे वैक्सीनेशन, सौभाग्य है कि हम कल वैक्सीनेशन कराएंगे और हम चाहेंगे कि सभी लोग जिन जिन की बारी आए वो सब लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं।